हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो स्वागत है आप सबका। आज हम लोग करेंगे लघुतरीय प्रश्न करेंगे बच्चों, क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। ये सारा जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं ना, उसे से संबंधित हम लोग यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि नेत्र यानी कि आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, मतलब कि आँखों की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वो रहेगा मतलब किताबी भाषा में, लेकिन ये भाषा बड़ी अच्छी है। आप एकदम डिट्टो भी अगर छाप देते हो ना, टीचर को बड़ी खुशी होगी देख करके आपका आंसर। ठीक, फिर भी मैं अपने शब्दों में भी समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ। तो देखी जाने वाली वस्तु की दूरी के अनुसार आँख अपने लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों की मदद से समायोजित करता है, ताकि प्रतिबिंब नियत दूरी पर स्थित रेटिना पर ही बने। इस क्षमता को आँखों की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब ये बच्चों कि जो भी वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक ना, चाहे वो वस्तु दूर स्थित हो या नज़दीक स्थित हो, तो उस वस्तु को देखने के लिए हमारे आँखों का जो ये है, जो लेंस है ना, उसकी फोकस दूरी को बदलना जरूरी है। और हमारी आँखें ये काम कर लेती है, और वो करती है सिलियरी पेशियों की मदद से, ठीक ना। यानी कि हमारी आँखें सिलियरी पेशियों की मदद से क्या करती है, अपने फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करती है। आँख की इस क्षमता को ही क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। और ये ऐसा इसलिए करती है ताकि दूर स्थित वस्तु को भी हम साफ साफ देख सकें और निकट स्थित वस्तु को भी हम साफ साफ देख सकें। ठीक है बच्चों, चलिए। निकट बिंदु से नजदीक या दूर बिंदु से दूर स्थित वस्तु को आंख स्पष्ट नहीं देख पाती है, यह समंजन क्षमता की सीमाएं हैं। अगर एक निकट बिंदु होता है, जैसे कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा निकट अगर आप किसी वस्तु को ले आओगे, तो हम उसे साफ साफ नहीं देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वो निकट बिंदु कहलाता है। अगर उससे ज्यादा निकट यानी 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा निकट ले आते हो तो आप उसे नहीं देख पाओगे। और दूर बिंदु से दूर कोई होता नहीं, क्योंकि दूर बिंदु हमारा अनंत होता है। ठीक, तो ये समंजन की सीमाएं हो गई। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, नेत्र के निकट बिंदु एवं दूर बिंदु क्या है, इनकी नेत्र से दूरियों के मानक लिखें। तो देखो बच्चों, नेत्र से वस्तु की नजदीक से नजदीक स्थित जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट बिंदु कहलाती है। देखो मतलब हम अपनी आंखों से थोड़ा वस्तु को आंख के पास एकदम सटा के रखें, थोड़ा धीरे 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 दूर करें, तो जितना दूर पहुंचते ही वो वस्तु हमें साफ दिखाई देने लगे, तो वही हमारा निकट बिंदु है। या तो कोई वस्तु दूर रखी है, धीरे धीरे हम उसको करीब सटा रहे, एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर तो वो साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उससे थोड़ा सा और आंख के करीब करते हैं तो वो साफ साफ नहीं दिखता है, तो वो निकट बिंदु है बच्चों। तो वही लिखा हुआ है कि नेत्र से वस्तु की नजदीक से नजदीक की स्थिति है ना, जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट बिंदु कहलाती है। और नेत्र से वस्तु की अधिकतम दूरी की स्थिति जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वो दूर बिंदु कहलाती है। ठीक, जहां तक मानक मान की बात करें, तो निकट बिंदु की नेत्र से मानक दूरी 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु की मानक दूरी अनंत है बच्चों। ठीक, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकटतर मतलब कि उससे भी ज़्यादा निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। तो देखो बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी पेशियों में फैलाव तथा संकुचन के कारण होता है। मतलब कि नेत्र की जो फोकस दूरी है ना, जो बदलती है, वो सिलियरी पेशियों में फैलाव और संकुचन के कारण होता है। जब कोई वस्तु सामान्य नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी रहती है, तब सिलियरी पेशियों का संकुचन महत्तम होता है। मतलब कि उससे ज़्यादा सिलियरी पेशियाँ हमारी संकुचित नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा संकुचित होने की क्षमता उसमें नहीं है। अगर उससे भी करीब कर दोगे तो और ज़्यादा संकुचन की आवश्यकता है, और जो कि हमारी सिलियरी पेशियां उतना संकुचित हो नहीं पाती हैं, इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं। तो भाई लिखा हुआ है कि तब मतलब जब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी होती है, तब हमारी सिलियरी पेशियों का जो संकुचन होता है ना, वो महत्तम होता है। परंतु जब वस्तु 25 सेंटीमीटर से निकटतर यानी उससे भी नजदीक रख देते हैं, तो सिलियरी पेशियों में और अधिक संकुचन संभव नहीं हो पाता है। इस कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं होता तथा नेत्र वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। क्या बढ़िया तरीका से यहां पे इसका आंसर लिखा गया है बच्चों, और मैंने समझाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने वो हो गया है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है। और दूसरा इसी में एक और प्रश्न है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। ठीक, तो देखो पहला सवाल का जो उत्तर है वो ये है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, और
जब हम क्या लिखा गया दूसरा प्रश्न कि हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो उसके प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बदलती है क्या? तो प्रतिबिंब की दूरी नहीं बदलती बच्चों, प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर ही बनता है समंजन क्षमता के कारण। तो वही लिखा हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, वो रेटिना पर ही बनता है। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चों, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस लेंस से होता है, सचित्र समझाएं। तो निकट की वस्तुओं का अस्पष्ट दिखना परंतु दूर की वस्तुओं का अस्पष्ट नहीं दिखना निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, इसका निकट दृष्टि दोष को हम ऐसे भी लिखते हैं कि जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे तो इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है मतलब नज़दीक वाला दिख रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तुओं का स्पष्ट दिखना, निकट वाला दिखता है दूर वाला नहीं दिखता। तो अगर आप दिखने के हिसाब से डेफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे कि निकट की वस्तु जब साफ साफ दिखे और दूर की ना दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और अगर न दिखने के हिसाब से डेफिनेशन बोलो तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि वह स्थिति जब दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई ना दे तो वह निकट दृष्टि दोष कहलाती है बच्चों। ठीक है, इसका निवारण उत्तल लेंस के चश्मे से होता है। देखो बच्चे, अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वो इतना तक ही पूछा गया है, तो हम लोग यहां पर इसके निवारण के लिए जो डायग्राम वगैरह है वो यहां पर नहीं बनाने जा रहे हैं। वैसे इसका डायग्राम भी होता है, ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है बच्चों, वैसे ये डायग्राम से आपको कुछ नहीं समझ में आने जा रहा है, इसको समझने के लिए आपको मेरा एक क्लास देखना पड़ेगा जहां पर मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है कि किस तरीके से अगर कोई बीमारी रहे तो कितना डाइऑप्टर का चश्मा लगेगा, पूरा पढ़ाया है। तो इससे आपको नहीं समझने मतलब समझ में नहीं आएगा बच्चों, आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अगर आप कहोगे तो उस वीडियो का लिंक मैं इस ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पर की लिखावट को पढ़ने में कठिनाई होती है तो वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि एक क्लासरूम है उसमें सबसे लास्ट बेंच पे एक बच्चा बैठा है और श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी हुई है जिसे पढ़ने में उस बच्चे को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो पहले तो आप ये बताइए कि वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है क्योंकि दूर की वस्तु उसे साफ साफ नहीं दिख रही है, इसलिए कौन सा दोष है बच्चों, निकट दृष्टि दोष है। ठीक, और इस रोग से ग्रसित विद्यार्थी को इस दोष के संशोधन के लिए अवतल या अपसारी लेंस का व्यवहार करना होगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है बच्चों, अर्थात उसे ऐसे चश्मे की आवश्यकता है जिसमें अवतल लेंस लगा हो। क्या बढ़िया तरीके से यहां पर इसको भी फिनिश कर दिया गया। अगला प्रश्न है बच्चों, दूर दृष्टि दोष क्या है और इसके संशोधन के लिए उपयुक्त लेंस की क्रिया का एक किरण आरेख खींचें। किरण आरेख खींचने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, और अगर खींचना चाहते हो तो उसके लिए भी वो वीडियो देखना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे नहीं समझ आएगा। ठीक, तो दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखाई पड़ना लेकिन निकट की वस्तुओं का अस्पष्ट दिखना दूर दृष्टि दोष कहलाता है। या तो ऐसे लिखें कि जब निकट की वस्तु साफ साफ ना दिखे तो वह स्थिति दूर दृष्टि दोष कहलाती है। इसका संशोधन उत्तल लेंस से होता है, इतना काफी है बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है वो 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, मतलब 1.2 मीटर से ज्यादा दूर अगर कोई वस्तु रहे ना तो उसे नहीं देख पाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो 1.2 मीटर रहे या 2.2 मीटर रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, निकट दृष्टि दोष है ना जी, अवतल लेंस लगेगा। ठीक है बच्चों, तो वही यहां पर है जी लिखा हुआ, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दोष दूर करने के लिए अवतल यानी कि अपसारी लेंस का व्यवहार करना होगा। और दूसरा एक प्रश्न है बच्चों कि डिफोकसी लेंस किस दृष्टि दोष में सुधार के लिए उपयुक्त होता है, तो हम सब जानते हैं कि वो जरा दूरदर्शिता के लिए होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि कक्षा के अंतिम पंक्ति में बैठा छात्र बोर्ड पर लिखी गई वस्तु को नहीं पढ़ पाता है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो देखो, दूर स्थित है ना, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा है तो ब्लैक बोर्ड उससे दूर होगा ना, और जब दूर की वस्तु दिखाई ना दे तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला तो हो गया निकट दृष्टि दोष। दूसरा प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो वो भी निकट दृष्टि दोष का ही एक ये है बच्चे कारण है कि नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष वाली आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है या निकट की वस्तु को, बताओ।
तो दूरदृष्टि दोष जिसको हुआ है ना, तो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है, यानी दूर की वस्तु दिखती है। तो किसको साफ साफ देख पाएगी, तो लिखेंगे दूर की वस्तु को। ठीक, अच्छा, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष को। ठीक है बच्चों, ये देखो लघुतरीय प्रश्न को इस तरीके से विज्ञान में पूछा जाता है बच्चों। तो ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसे जरा ध्यान से कीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसकी व्याख्या करें। तो देखो बच्चों, लिखेंगे कि ग्रह पृथ्वी से काफी निकट है, अतः ग्रहों को प्रकाश का एक विस्तृत स्रोत माना जा सकता है, जो अनेक बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों के समूह हैं। इस सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र पर आने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन या औसत मान्य शून्य होता है, यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। देखो बच्चे, इसको समझना है, एक वीडियो मेरा देखना पड़ेगा, फिलहाल मैं समझा देता हूँ। देखो, जब तारे से प्रकाश की किरण आती है तो तारे की दूरी बड़ी तारे जो है वो हमसे बहुत दूरी पर स्थित है, जिसके कारण वहाँ से जो आने वाली प्रकाश की किरणों का समूह है ना, वो केवल हमें एक किरण जैसा प्रतीत होता है। तो जब वायुमंडल में अपवर्तन होता है तो वो किरण का कुछ देर के लिए संपर्क हमारी आंखों से टूट जाता है और वो हमें नहीं दिखता, फिर जैसे ही संपर्क स्थापित होता है वो हमें दिखने लगता है। तो जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन चूंकि ग्रह जो हैं वो हमारे पृथ्वी से काफ़ी निकट हैं, तो वहाँ से जो आने वाली किरणें हैं ना बच्चे, तो उनका समूह जो है वो बड़ा मोटा होता है। तो वायुमंडल में जब अपवर्तन होता है तो कुछ किरणों का अपवर्तन हो जाने के बाद भी बहुत सारी किरणें ऐसी होती हैं जिनका संपर्क हमारी आंखों से बना होता है, इसलिए वो हमारी आंखों से ओझल नहीं होता, वो हमें हमेशा दिखाई देते रहता है। तो जो मैंने अभी अपने शब्दों में कहा है आप वो लिखोगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचें। तो देखो बच्चे, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच रखी वस्तु का विशाल प्रतिबिंब दिखता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। बस यही लिख देना है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, और इसका जो किरण आरेख का बनावट है वो कुछ यूं है। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश के वर्णविक्षेपण का क्या अर्थ होता है। तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर अपने विभिन्न अवयवों में विभाजित हो जाता है। श्वेत प्रकाश के विभाजन की इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि जब प्रकाश की किरण को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को ही प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे वैसा लिखो। वर्णविक्षेपण क्यों होता है, चित्र के साथ वर्णन करें। तो बच्चों, कांच में प्रकाश के विभिन्न वर्णों की चाल भिन्न भिन्न होती है। हम सब जानते हैं कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों से बना होता है, और हर रंग का कांच में अपना अलग अलग चाल है। जिसकी चाल ज़्यादा है वो जैसे ही कांच में घुसता है तो वो थोड़ा कम मुड़ता है, और जिसकी चाल कम है वो थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाता है। यानी चाल में विभिन्नता के कारण जो है ना, वो कोई कम मुड़ता है, कोई ज़्यादा मुड़ता है, तो इसलिए हमें एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाती है। यही बात यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, कि कांच में प्रकाश के विभिन्न वर्णों की चाल भिन्न भिन्न होती है, इस कारण उनके लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। चूँकि विभिन्न वर्णों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उनका विचलन भी अलग अलग होता है, मतलब कि वो मुड़ते भी अलग अलग हैं, इसीलिए वर्णविक्षेपण होता है। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से आपने क्या करना है, डायग्राम बना देना है। तो आज की इस क्लास में हम इतने ही प्रश्न कराएंगे आपको। कैसा लगा ये प्रश्न उत्तर का सेशन, अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके आज ही इस चैनल का एक फैमिली मेम्बर बन जाएं बच्चों। ठीक है, और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से बिना थके पढ़ाता रहूँ, एकदम उत्साह के साथ आपको पढ़ाता रहूं बच्चों। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें SR क्लास के साथ, और शेयर जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, और हाँ, कमेंट अवश्य करना कि कैसा लगा ये वीडियो।